अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर के आए हैं। ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रही है, बहुत ज़्यादा वायरल है। तो ये जो हम बनाने जा रहे हैं, ये आपके लिए स्पेशली हम बेसन का लड्डू बनाने जा रहे हैं। बेसन का लड्डू तो एक तरह से हम बना चुके हैं, आप देख चुके होंगे हमारी वीडियो में। तो ये हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं बेसन के लड्डू। ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ चाशनी तैयार कर रहे हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक गिलास पानी लिया हुआ है, और उससे ज़्यादा हमने चीनी लिया हुआ है, एक से डेढ़ गिलास हमने चीनी लिया हुआ है। और यहाँ पे आप हम जो है बेसन मिलाएंगे। बेसन हमने 4 से 5 चम्मच दे लिया है, आप भी ले सकते हैं जितना आपको बनाना है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने जो बेसन लिया है, यहाँ पे हम बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद इसमें हम जो है एक चुटकी नमक डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पानी मिला रहे हैं, धीरे धीरे हमको मिलाना है। उसके बाद हम जो मिला लेंगे, तो उसके बाद हम धीरे धीरे एक चुटकी नमक डालेंगे। यहाँ हमने वॉइस ओवर किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा हमको बोलने में परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारी तरफ से तरफ जो है लाउड हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर है। हम पूरा कमरा पैक करके कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बार बार हम आपको वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग मेरे घर में जो भी नॉइस होता है, जो भी लाउड होता है, उसको अवॉइड कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है ज़ाफ़रानी रंग मिलाया हुआ है, एक पिंच हमने ज़ाफ़रानी रंग मिलाया, और यहाँ पर नमक मिलाया और पानी मिला के अच्छी सी, जिस तरह से आप बिंदियादी बनाने के लिए जो तैयार करते बेसन, वैसी ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ दे सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमने वैसे ही रेडी किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है हम कढ़ाई रखते हैं, यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हमारी गर्म हो जाएगा खूब अच्छे से, हमको तेज़ आँच पर रखना है इसको। गर्म हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो डाला है बेसन, आप किसी भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे भी डाल सकते हैं, जिस तरह से पकौड़ी बनाते हैं वैसा भी, मगर हाँ इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बेसन की पकौड़ियाँ बनाते वैसा नहीं होना चाहिए, आप देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत जल्दी, मगर इसको तेज़ आँच पर ही रखना है हमको, ना लो रखना है ना मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर रखना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम पकौड़ी की तरह तैयार हो चुका है, कड़ा हो चुका है। तो इसको इसी तरह से रखना है, इसको ज़्यादा हमको लाल नहीं करना, ज़्यादा हीट नहीं करना, बस ये पकेगा उसके बाद हमको थोड़ा करके इसको निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमने दूसरा लेयर डाला है इसका बेसन का, इसको भी वैसे ही हमने तेज़ आँच पर रखा है, इसको हमने लो नहीं रखा है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने 1 से 2 बार में चलाया है, उससे ज़्यादा हमने नहीं चलाया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से हमारा ये भी रेडी हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जो है हम इसको अलग उसमें रखेंगे, अभी इसको हम जो है चाशनी में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इसको अभी हमने अलग प्रैक्टिस में करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब कुछ निकाल लिया, एक प्लेट में कर लिया है, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके जो है तोड़ेंगे और मिक्सर जार में डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने डाला है मिक्सर जार में, इतना ही डालना है जितना कि अच्छे से एकदम बारीक पाउडर टाइप का हो जाए, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको डालना है। वॉइस ओवर करने में आप जानते हैं थोड़ा परेशानी होती है, सबकी आवाज़ अलग होती है, सबके बोलने का जो है अंदाज अलग होता है, और प्लस मेरी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको मिक्सर ग्राइंड कर लिया है, और बहुत अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में हो चुका है। यहाँ पे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा है, एकदम दानेदार हुआ है, बिल्कुल ज़रा सा भी उसमें कहीं भी कुछ भी खड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो चाशनी बनाई थी वो हमने ठंडी कर ली है, और ठंडी चाशनी को इसको हम जो है इसी में मिलाएंगे, और थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने मिलाना है, एक बार में पूरा नहीं डालना है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि इसको हमने थोड़ा थोड़ा मिलाना है। यहाँ पर हमने जो है मगज़ का बीज लिया हुआ है, ये तरबूजे का बीज होता है, और एक खरबूजे का जो बीज आता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा बड़ा में है, और जो तरबूजे का बीज होता है वो छोटा रहता है। यहाँ पे हमने इलायची पाउडर डाला है, इलायची पाउडर भी हमने पहले से पीस कर रखा हुआ था, और आप चाशनी में भी खड़ी इलायची डाल सकते हैं, मगर इसमें डालिएगा पीस करके तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। इसके बाद हमने जो है फिर से एक बार और डाला, दिखाया नहीं है हमने, मगर हमने फिर और मिलाया, क्योंकि इसमें थोड़ा नमक जो मिला वो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। चाशनी आप और मिलाइएगा तो अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा मिला के इसको अगर हो सके तो फ्रीज में रखिएगा तो और अच्छा रहेगा। हमने गरम गरम बनाया है लड्डू, तो बहुत बढ़िया हुआ था, आज का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, बिल्कुल कोई पकड़ नहीं सका ये, मतलब कि दूसरे तरीके से जो बना है हम लोग फ्राई करके जो बनाते हैं वो उस तरीके से बना है, तो ये भी बहुत अच्छा हुआ है। और एक जो बेसन हम लोग कच्चा बनाते हैं, चाशनी अलग डालते हैं, वो अलग होता है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुका है,
हमने इसमें मिलाया और हमने उसमें और अलग से कुछ भी नहीं मिलाया है। यहाँ जो है जितना भी लड्डू बनाइएगा सब एक ही साइज़ का बनाइएगा, बड़ा छोटा मत बनाइएगा। हमने जो बनाया एक ही साइज़ का बनाया है और बहुत अच्छा लड्डू हुआ है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर से बताया कीजिए कि आप लोग की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप देखते हैं तो ज़रूर से बताया कीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं बड़ी मेहनत से बनाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, तो कम से कम एक लाइक और कमेंट्स तो बनता है ना भाई। तो इसलिए ज़रूर से आप लोग बनाया कीजिए, ज़रूर से किया कीजिए। आप देख सकते हैं हमारा सारा लड्डू जो रेडी हो चुका है और आप भी अपने घर पे ट्राई करिएगा, बनाइएगा और खाइएगा और टेस्ट करिएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा हुआ है। फ्लेवर में मतलब कि कोई मतलब कि जैसा बोला फ्लेवर कुछ ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा हुआ था फ्लेवर, जैसे लड्डू का होता है, हलवाई जैसा बाजार जैसा बनता है वैसा है। तो यहाँ पर हम आपको तोड़ के भी अभी दिखाएँगे, ये अंदर से भी इसका जो है टेस्ट और अंदर से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं तोड़ करके, देखिए कितना अच्छा हुआ है, देखने में भी कितना अच्छा, कलर कितना अच्छा आया। तो आप ये सोचते हैं ये हमेशा अपनी ही वीडियो की तारीफ करती है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, हम भले मुँह से बोल रहे मगर आप तो देख सकते हैं कि हम कैसा बनाए हैं। इसीलिए आप लोग भी अपने घर में ट्राई जरूर से कीजिएगा। देखिए हम तोड़ के आपको दिखा रहे हैं कितना अच्छा हुआ है, अंदर से बहुत अच्छा हुआ है, और आप भी ऐसी बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आप भी ऐसे ही करिएगा इंशाल्लाह। और याद दुआओं में याद रखिएगा, और पहली दफ़ा अगर है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।